दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। सोलन के नवनियुक्त अतिरिक्त उपायुक्त अजय यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि जिला सोलन में लोगों की जो भी समस्या होगी उसका त्वरित निपटारा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को समय पर लक्षित वर्ग तक पहुंचाना और जन समस्याओं का त्वरित निपटारा करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि उनके पास मुख्य रूप से पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास और राजस्व विभाग है। इन्हीं विभागों में सर्वाधिक समस्याएं लोगों को आती हैं। सभी की समस्याओं का निपटारा करना उनका मुख्य उद्देश्य है। करें तो आदरणीय उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में जो भी हमारी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना और जो आमजनों लोगों की शिकायत है उसका त्वरित निपटारा करना हमारी प्राथमिकताएँ रहेंगी। और मुख्य रूप से जो मैं कार्य देखूंगा वो हमारा पंचायती राज और ग्रामीण विकास का कार्य रहेगा और राजस्व का विकास रहेगा। और देखा जाए तो लोगों की ज़्यादातर समस्या इन्हीं दो विभागों से जुड़ी होती है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो लोगों की समस्या है उसका त्वरित निपटारण हो और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं जरूरतमंद लोगों तक। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से मोहिनी सूद की रिपोर्ट।